दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे मारुति एस्प्रेसो की VXI वेरिएंट के बारे में। दोस्तों कंपनी ने अपनी एस्प्रेसो को VS6 इंजन के साथ में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ राणा मोटर्स इंदौर, जहाँ पर हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं इसकी कीमत, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ के बारे में डिटेल से। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इसके फ्रंट लुक के बारे में। आप देख सकते हैं काफ़ी माचो और बोल्ड लुक आपको एस्प्रेसो का दिखाई देता है। काफ़ी बड़े सारे हेडलैम्प मिलते हैं हैलोजन बल्ब के साथ में। एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये जो गाड़ी है ब्रीजा की जैसी दिखती है हमें सामने की साइड से। और यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में भी मैं बताऊँ तो 4,38,551 रुपये के आसपास ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइस इंदौर में मिल जाएगी। तो दोस्तों एक कम बजट की गाड़ी है, काफ़ी लंबी गाड़ी है। लंबाई की बात करें तो 3,565 mm की लंबाई मिलती है और 1,520 mm के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों एक SUV लुक देने वाली इस गाड़ी का अगर हाइट की बात करें तो 1,549 mm के आसपास इसकी हमें हाइट भी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आपको नीचे मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे कि आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ब्रेकर वगैरह में आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही आपको बेहतरीन सस्पेंशन मिलेगा, मैक पर्सन स्टर सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू, अब बात करते हैं इसकी पीछे की लुक की। यहाँ पर आपको टेल लैंप्स काफ़ी स्टाइलिश मिलते हैं इंडिकेटर के साथ में। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो LED टेल लैंप्स हैं LED नहीं मिलते हैं, आपको हैलोजन बल्ब के साथ में इसके टेल लैंप्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर पीछे की ग्लास की बात करें तो आपको यहाँ पर डिफॉगर नहीं मिलेगा VXI वेरिएंट के अंदर। एस्प्रेसो की बैजिंग और मारुति का एस लोगो। और दूसरा दोस्तों आपका रेडियो का जो एंटीना है वो फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है, पावर एंटीना। तो दोस्तों ये तो हो गया इस गाड़ी का बाहरी आयाम आगे और पीछे का। हाँ, पीछे की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी, अब आपको मिलेंगे रिफ्लेक्टर और रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे की साइड में, जो कि BS6 की सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर इन चीज़ों को कंपलसरी कर दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। काफ़ी शानदार व्हील बेस मिलता है इस कार के अंदर 2380 mm का। और साथ ही मिलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर 14 इंची के। हालांकि दोस्तों स्टील व्हील रिम के साथ में आपको ये टायर मिलेंगे, रिम मिलेंगी जो आपको स्टील व्हील रिम मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं अलॉय व्हील वगैरह लगाना तो वो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। दोस्तों आगे की साइड में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे मिलेंगे ड्रम ब्रेक, पीछे मिलता है दोस्तों आपको टॉर्सन बीम विद कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन। तो इस तरह का इसका सस्पेंशन और स्पेसिफिकेशन हो गए। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 4-volt टेक्नोलॉजी पे काम करता है। 998 cc के आसपास की इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। इससे पावर मिलता है आपको 67.05 BHP का 5,500 RPM के आसपास और 90 Nm का टॉर्क 3,500 RPM के आसपास। दोस्तों BS6 इंजन के अंदर कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर है, सेंसर वगैरह है, ऐसी चीज़ों को लगाया गया है जिससे हमारी गाड़ी की जो पॉल्यूशन मानक है वो BS6 के पॉल्यूशन मानक को मीट करते हैं। इस इंजन से दोस्तों अगर माइलेज की एक्सपेक्टेशन करें तो लगभग 21.7 km/L के हिसाब से आपको माइलेज मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट में दोनों ही साइड में पावर विंडो मिलती हैं, लेकिन उनके बटन आपको डोर पर नहीं मिलेंगे। डोर के ऊपर आपको पानी की बोतल रखने के लिए जगह मिलती है और एक स्पीकर मिलता है। फ्रंट में आपको 2 स्पीकर मिलेंगे, 2 एयरबैग मिलेंगे और दोनों ही आपको पावर विंडो फ्रंट में मिल जाते हैं। पीछे आपको ना तो स्पीकर मिलेगा, ना ही आपको पावर विंडो मिलेगा, ना ही एयरबैग मिलेगा। हेडरेस्ट वगैरह आपको मिलते हैं यहाँ पर फिक्स टाइप के सीट के अंदर, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। दूसरा दोस्तों इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी ऊंचाई वाली सीट यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से दी जाती हैं, जिससे कि आपका जो फील है बैठने का वो थोड़ा SUV के टाइप से मैच कर सके। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है पावर स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ़ोन वगैरह पिक करने की ड्रॉप करने की फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने म्यूजिक सिस्टम को भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीडिया आपको स्टेयरिंग मिलता है पावर स्टेयरिंग के साथ में, इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं अपने सिटिंग पॉस्चर के ध्यान में रखते हुए। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आप एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं, GPS वगैरह देख सकते हैं, म्यूजिक वगैरह का आनंद ले सकते हैं, USB ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। पावर विंडो की जो बटन है दोस्तों फ्रंट के आपको इस म्यूजिक सिस्टम के नीचे ही मिलेंगे, हजार्ड लाइट के आसपास इधर और उधर। दूसरा बात करते हैं इसके MID की। MID पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, तमाम सारी इंफॉर्मेशन शो होती है डिजिटल रूप से, और इसका जो MID है वो आपको सेंटर में स्थित मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको छोटा सा एक ग्लव बॉक्स भी मिलता है। यहाँ पर आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा, एक सिंपल ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके AC वेंट आपको फ्रंट में मिलते हैं, 4 AC वेंट मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट और 2 बीच में, इस तरह के आपको यहाँ पर AC वेंट मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके अंदर आपको जो AC मिलेगा वो मैनुअल मिलेगा, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है एस्प्रेसो।
दोस्तों इस गाड़ी की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 438,551 रुपये के आसपास इसके एक्सोरूम प्राइस इंदौर में है। बीच में आपको दोस्तों यहाँ पर मोबाइल वगैरह चार्ज करने के भी पॉइंट मिल जाते हैं, ऑक्स वगैरह कनेक्ट करने के भी पॉइंट मिल जाते हैं, मैनुअल एसी के बटन वगैरह मिल जाते हैं, ऊपर की साइड में सनवाइजर वगैरह मिलते हैं दोनों ही साइड में, वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगी एक रीडिंग लाइट, साथ ही मिलेगा एक माइक्रोफोन जिससे कि आप अपने फ़ोन वगैरह को ब्लूटूथ कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकें। तो दोस्तों ये तो था इसका सामने का लुक, अब बात करते हैं इसकी पीछे की। पीछे की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको तीन लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। डोर के ऊपर आपको यहाँ पर पावर विंडो नहीं मिलती है, मैनुअल आपको ग्लास अप एंड डाउन करने के कंट्रोल्स मिलते हैं, स्पीकर वगैरह भी आपको पीछे नहीं मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर दो ही स्पीकर मिलते हैं फ्रंट साइड में। और दूसरा दोस्तों इस गाड़ी के अंदर तीन लोगों की पीछे बैठने की व्यवस्था होती है, दो लोगों की आगे, यानी कि टोटल पाँच आदमी आप बैठ सकते हैं। पीछे की सीट पर भी आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन वो भी मिलेंगे फिक्स टाइप के, यानी कि एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यही था इसका अंदर का पूरा लुक। अगर हम गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ के देखते हैं तो हमें जो आगे का नज़ारा है कुछ उस प्रकार का हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, कम बजट के अंदर अगर आप एक एसयूवी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप एस्प्रेसो को बिंदास खरीद सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, सेंट्रल लॉकिंग है, क्रैश सेंसर है, इंजन इमोबिलाइजर है, इस तरह की तमाम सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही मिलता है ABS प्लस EVD जैसे फंक्शन। तो दोस्तों ये था अंदर का व्यू। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ पर आपको 270 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है, हालांकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक छोटी फैमिली अपना सामान आसानी से लेके जा सकती है, साथ ही आपको पार्सल ट्रे वगैरह भी मिल जाती है। इस बूट स्पेस के अंदर ही आपको इसका व्हील जो है स्पेयर व्हील वो मिल जाता है, 14 इंच का ही ये मिलेगा। तो दोस्तों यही था इस गाड़ी के फीचर्स देखा जाए तो। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों एक और बेहतरीन फीचर्स मिलता है कि आप इसकी सीट जो है पीछे की इसको भी टिल्ट कर सकते हैं अगर आपको कभी कोई सामान लेके जाना होता है तो। तो दोस्तों 27 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आने वाली एस्प्रेसो, यही था इसका रिव्यू अंदर और बाहर का। प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी है। इंदौर के आसपास से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप राणा मोटर्स इंदौर में संपर्क कर सकते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। और दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।